نمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم زدا صدق الله العظيم. आयत नंबर 77 अफराइत अल्लज़ी कफरा बिआयातिना वकाल लऊतयन्न मालं वबलदा अफराइत, क्या फिर आपने देखा, अल्लज़ी उसे जिसने कफरा इनकार किया, भी आयातिना हमारी आयतों का, वकाला और उसने कहा, लऊतयन्ना ज़रूर मुझे दिया जाएगा, मालम वबलदा माल और औलाद, तो आयत मुबारका में फरमाया कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जो हमारी आयतों का इनकार करता है और कहते हैं मुझे आखरत में भी मालो औलाद ज़रूर मिलेंगे। अब ये आयत 77 से 80 तक, 77 से 80 एक खास वाकया की तरफ है। वो वाकया मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं जो दोनों बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, ऑथेंटिक बुक्स और अहादीस, उसको मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं। 47, 32 और ये 27, 95 वाकया का जिक्र है, क्योंकि देखिए ना, आगाज़ ही हो रहा है कि क्या उस शख्स को नहीं देखा, समवन स्पेसिफिक, किसी ख़ास की तरफ है, एक करेक्टर का जिक्र है इसमें, एक कि आयात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तो औलाद और माल से इसी तरह नवाजा जाऊंगा। अच्छा, जो हदीस है उसका मैं मफहूम अर्ज कर देता हूँ। उसका मफहूम ये है अच्छा, एक सहाबी खबाब बिन अर्थ नाम बताया जाता है, आहनगरी का काम करते थे ना, ये लोहार थे। अच्छा, उनके कुछ पैसे जिम्मे थे काफिर के, उसका मफहूम बता रहा हूँ मैं हदीस का। आस बिन वाइल, ये काफिर थे, वाइल
पैसे लिए होंगे। तकाजा किया मेरे पैसे वापस कर दो, उसने कहा मैं नहीं देता। इस काफिर ने कहा आई विल गिव यू ऑन वन कंडीशन, ये हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, मुत्तफ़िक़ अलैह, कहते मैं दे दूंगा कि एक शख्स पर है तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करो, उनकी रिसालत को झुटलाओ, मैं नहीं मानता, मैं दे दूंगा पैसे तुम्हें ना। ये काफिर ने कहा, तो इन्होंने उसके जवाब में कहा कि मौत का इसको याद दिलाया, मौत का ना, तो उस पर इसने कहा कि जी क्योंकि ये काफ़ी तो इसका तो बास बादल मौत पर, यानी उसने जवाब में ये कहा था कि तुम अगर मर कर दोबारा ज़िंदा भी हो जाओ, मैं कभी भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार नहीं करूँगा, तो तुम शर्त लगा रहे हो मैं नहीं झूठ लाऊंगा। तो मर कर जब दोबारा ज़िंदा ये साहबी ने कहा, तो उस पर इसने हैरत से पूछा अच्छा मैं मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाऊंगा, तो साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको दोबारा ज़िंदा करके अपनी अदालत में हाज़िर कर देगा, दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। उस पर फिर ये काफिर ने कहा अच्छा चलो फिर ऐसी सी, तो तुम्हारे कहने के मुताबिक जब मैं दोबारा उठाया जाऊंगा तो वहाँ भी मेरे पास माल और दौलत बड़ी होनी है। अब तो मैं नहीं मानता, तुम कह रहे हो ना, तो अगर उठाया जाऊंगा बड़ी माल और दौलत होगी तो उस वक्त मैं दे दूंगा। चलो ये भी हो गया है ना, तुम कह रहे हो ना जिंदा किया जाएगा, मैं उस वक्त दे दूंगा। ये 77 से 80 तक इस हदीस का ज़िक्र किया गया। आप ये आयात पढ़ेंगे तो ये हर आयत से यही अंदाज़ा हो रहा है कि यही वाक़ है। अच्छा अब आप ज़रा देखिए आयत ना आगाज़ होता है अफराइता। अच्छा ये भी देखें, हर ज़ुबान का एक अपना असलूब होता है ना, इसके मायने क्या फिर तूने देखा उस शख्स की तरफ, लिख लिया शख्स का तस्करा होगा या किसी की बहुत ही भूंडी बात बताई जाएगी, होंगी बात ये इस लफ्ज़ के बात का हवाला होगा, हालांकि बात नजर नहीं आ रही, ये राह है ना देखने जैसे, अलम तरा नहीं होता, अलम तरा कई फफाल रब्बू का लफ्ज़ी मायने होता है कि फिर तूने देखा उस शख्स को, लेकिन लफ्ज़ झंझोड़ने के लिए इसके बाद वाक्य बताया जा रहा है काफिर और ये शख्स की जो किसी का पैसा गज़ब कर रहा है और देने के लिए तैयार नहीं है और उस पर शर्त भी देखो कैसी लगा रहा है। तो कहा अफराइता, क्या फिर देखा आपने अल्लज़ी, उस शख्स की तरफ, इसमें मौसूल है, इसकी
इसकी जमा अल्लज़ीना है और इसका मौनस अल्लती है। कफ़रा, इनकार किया, भी आयातिना, हमारी आयतों का। वकाला, और कहा, लऊतयन्ना, ये अता से है ना, दिया जाना अता, लेकिन ये बात जैसे जो अल्फाज इन असलूब पर आए, इस वज़न पर आए ना, लाम शुरू में और नून सकीला, तो ये लाजवान का मायना देता है। लयुम वजन ना, लाजवान डाला जाएगा। आप सूरह निसा की आयत 119 पढ़ें, सूरह निसा की आयत 119 पढ़ें, इस ताकीदी लफ्ज 6 मरतबा आया है एक आयत में, 6 टाइम। वो कहाँ पर है? वो ये कि हाँ, शैतान चैलेंज करके आया था ना, औलाद आदम को बहकाऊंगा, तो उस आयत में ये है कि मैं हुक्म देकर रहूँगा कि ये जानवरों के कान तक काटेंगे। कितना जुल्म है यार, बेजान का ना, वो कुफार और मुशरिकीन निशानी के लिए वो कान काट देते थे, ओहो, कि वो वफ़ कर देते थे ना, कि ये फलां के वक्फ हो गया, ऊँटनी या ऊँट, ना इसको गोश्त खा सकते हैं, ना सवारी कर सकते हैं, ना इसका दूध पी सकते हैं ऊँटनी का ना, और कहा कि मैं इनको हुक्म दूंगा कि अल्लाह की जो तख्लीक है ना, उसमें तब्दीलियां करो, तुम मर्द औरत बन जाएं, औरत मर्द बन जाएं, ये मैं बहकाऊंगा। हर चीज़ पूरी हो रही है ना जी, लिबास तो बहुत पहले की बात है, अब तो और आगे काफ़ी बढ़ रही है। तो ये वो इस आयत में ही है कि ये चीज़ें मैं करूँगा, आयत 119 में। तो पढ़िएगा इसको घर जाकर, सूरह निसा की 119, थोड़ी सी तवील है, 6 मरतबा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये लऊतयन्ना, लऊतयन्ना है, इसमें लाम और नून सकीला, ये कह रहे लाजमन है। देखो कैसी वो यकीन से कहा जा कह रहा है, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कोई अल्लाह से वादा लिया है, कोई गारंटी ली है कि ऐसा होगा। लाजमन ज़रूर ब ज़रूर मुझे दिया जाएगा, मालम व बलदा, माल भी दिया जाएगा और औलाद भी मुझे दी जाएगी, है ना जी। यानी ये एक किरदार, एक ज़हनियत बताई जा रही है कि कुछ दुनिया में ही इस ज़ोम में मुब्तला हो जाते हैं कि ये काफिर लोग ही होते हैं। अव्वल तो वो क़यामत पर ईमान ही रखते हो, कहते हैं बिल फ़र्ज़ चलो क़यामत अगर आ गई तो वहाँ भी इसी तरह हमें माल मिलेगा, इसी तरह शान व शौकत, इसी तरह दौलत होगी, हैं। यानी वो इन चीज़ों को जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में दिया है वो अल्लाह का अतिया नहीं समझते हैं, ये वरना सब अल्लाह की देन होती है यार, माल दौलत औलाद, वो अपने इस्तेहकाक समझते हैं, वो ये तो हमारा हक था, ये क्या बात है। या वो ये कहेंगे कि ये हमारी ज़ाती काबिलियत का करश्मा था, अल्लाह की देन वाला नहीं। ये वहाँ पढ़ते हैं ना, अब जिसका कारून का ख़जाना है, पूरा ग्रोह उसकी चाबियाँ लेकर फिरता था, उसने भी ये कहा था ये सब मुझे मेरे इल्म की बिना पर मिला है ना डॉक्टर साहब, ये वहाँ पर है आयत, अल्लाह ने कोट कर दिया है, इतनी मालो दौलत, कहते ये मेरा इल्म है ना, मेरा कमाई है। ये बड़ा एक कुफराना सी सोच है कि ये कहे कि जी मेरा इस्तेहकाक है, मैं हकदार हूँ तो मुझे कौन महरूम कर सकता है। हाँ बस ये देखो ना, कह रहा लहूत यन्ना माला वाला था। अच्छा, जैसी ये ज़हनियत है वैसे ही अगली आयत में जवाब दिया जा रहा है। देखो ना, कहा कि अत्तलाल गईबा अमित तखजा इंदर रहमानी आहदा, वो ये जो तुम इतना श्योरिटी और यकीन से कह रहे हो, ये क्या कोई गैब का तुम्हें इल्म हो गया है कि आखिरत में भी तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, या अल्लाह से कोई गारंटी ली है, कोई वादा लिया है, किस बेस पर इतना आ गया? अत्तला अल गैबा, क्या उसको मुतला नहीं करना होता, खबर देना,
अत्तला, क्या उसको खबर दी गई है गैब की। अमित तखजा या अखज से है ना पकड़ लेना लेना, अमित तखजा या उसने लिया है इंदर रहमान ही रहमान से अहदा, कोई अहद लिया है जाए दुनिया में रहते हुए कोई मीसा कोई एग्रीमेंट कोई अहद हो गया कि मैं अगर आऊँगा वहाँ पे आखरत में तो मुझे ये दिया जाएगा, तो उसे क्या गैब की खबर मालूम हो गई है या उसने अल्लाह रहमान से कोई अहद ले रखा है। अगर आप ये गौर करें कि जैसा अहमकाना जोम था जो कि पिछली आयत में बताया, ये जोम ही है ना कि लाऊत यन्नमालम वलदा, बचगाना और तिफलाना सा, उसी अंदाज में ये जवाब है तंज और तहकीर में है कि क्या कोई गैब का इल्म आ गया इसे कि बड़ा माल वहाँ भी दिया जाएगा या अल्लाह से कोई अहद ले लिया है, है? साथ वाज़े कर दिया एक लफ्ज़ कल्ला से, नेवर हरगिज़ कोई ऐसी बात नहीं है, आखरत में तो आमाल की बिना पर फैसला होगा जजा व सज़ा का ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि दुनिया में वो किस हाल में रहा। ये बार बार कुरान ने भी वाज़े किया है कि जिसको दुनिया में बहुत अता किया वो इस खुशफहमी में न रहे कि अल्लाह मुझसे राज़ी है इसलिए मुझे इतना दे दिया। जो मुफलिस और नादार है वो ये ना समझे कि अल्लाह उसे नाराज़ है इसलिए उसको गरीब रखा है, नहीं, दुनिया अलग है दीन अलग है। शुरू में जो पक्के सच्चे मुसलमान थे ज़्यादातर मुफलिस नादार ही थे, लेकिन कमाल का ईमान था, तपती हुई रेत पर लिटा देते थे और टॉर्चर करते थे तो अहद अहद एक ही आवाज़ होती थी अल्लाह एक है, ईमान की ये कैफियत थी। लेकिन दुनियावी लिहाज से कुछ नहीं था, सादे बिल्कुल गरीब। तो ये बड़ी एक अहम बात है ना जी, अल्लाह बात। अच्छा अगली आयत में देखिए 79 में, सनक्तुबु मा यकूलू वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा। देखिए एक एक लफ्ज़ बड़ा गौर तलब है। अब ये सनक्तुबु ये गुस्से से कहा जा रहा है, ज़रा इसमें गैज़ो गज़ब है, क्योंकि दुनिया में तो इख्तियार है वो ये इस किस्म की बातें कर सकता है, यार मुझे मिलेगा वो कितनी वो हाँक ले जो चाहे करे। अल्लाह ने कहा हम सब लिख रहे हैं, आना तो हमारे पास ही है ना, फिर बताते हैं तुझे। गुस्सा है इसमें, सनक तुबू है देखे ना, ये लफ्ज मिलाए होते ना, ये इस तरह है सनक तुबू, सीन जो है ना ये ज़रूर का मायना भी देता है और जल्द का मायना भी देता है, शुरू में लग जाए ना, और नून ये मुजारे की लावत है, हम ज़रूर और जल्द हम लिख लेते हैं। कतबा यक्तबू लिखना, इसी से कातिब बने राइटर, लिखने वाले को कातिब कहते हैं। आप नहीं कहते उसकी किताबत बड़ी अच्छी है, लिखाई बड़ी अच्छी है खुशकती, तो कहा जल्द हम लिख लेंगे क्या मा यकूलू, जो भी कह रहा है वो ना उनकी इन बातों को मा यकूलू। हाँ अल्लाह, और कहा वा याती न फर्दा, और कहा याती ना आएगा हमारे पास फर्दा, फर्दा उर्दू में नहीं कहते फर्दन फर्दन मुसाफा किया, यानी अकेला आएगा, साथ न मालो दौलत लाएगा न कोई अपने अजीज़ो अकारिब न नफरी, जिसका इन्हें बड़ा गरूर होता है, कोई नहीं आएगा। ये देखें ये जो दावा था ना मालो औलाद का, ऊपर कहा था ना लऊत यन्न मालम ववलदा, हाँ ये उसका आ गया है जवाब अल्लाह ताला की तरफ से, कहा कि फिर हम ही इसके वारिस होंगे, है ना जी। अच्छा तो कहा सनक तुबु मा यकूलू, जल्द हम लिखेंगे जो वो कहता है, वना मुद्दू मद होता है ना फैलाना बढ़ाना, तो ये मायने हो गए मोहलत देना बढ़ाएंगे, लहू उसके लिए मिनल अजाब मद्दा, अजाब में बहुत अजाफा,
तो कहा जा रहा है कि उसके अजाब में भी हम बड़ा अजाफा कर देंगे। मद दौ, ये कल भी बात हुई थी, मद तजवीद में भी बढ़ाने को कहते हैं ना। तो ये बताया कि जो इस किस्म की बातें कर रहा है तकब्बर और गुरूर की और ऐसी, तो जब वो हमारे पास आएगा तो अजाब मद्दा, तो उसको अजाब भी हम खूब देंगे बड़ा हुआ, है ना जी। और मैंने ये अर्ज किया था ना कि 80 तक है ये, देखिए 77 से 80 तक। अब 80 में कह दिया कि जिस माल दौलत औलाद पर गुरूर है उसके वारिस हम ही होंगे, क्योंकि ये मर जाएगा और तन तन्हा खाली हाथ हमारे पास आएगा और सब इसका माल रह जाएगा और उसके वारिस हम ही होंगे। वह नरिसू मा यकूलू व याती नफरदा व नरिसू वरासे, और हम वारिस होंगे किसके, मा यकूलू जो वो कहता है। और वो क्या कहता है, वो 77 में कहा था ना, लऊद यन्न मालम व वलदा, सब इधर ही रह जाएगा, उसके हम वारिस होंगे, हमारे अदालत में तन तन्हा खाली हाथ वो हाजिर होगा। नहीं तो ये जिसका वो दावा कर रहा था कि वहाँ भी मुझे बड़ा माल दौलत मिलेगी, दुनिया पे फ़ख्र करता था, अल्लाह कह रहे हैं कि उसके मालिक और वारिस जो हैं हम ही होंगे, क्योंकि हमारे पास वो अकेला हाजिर होगा, फर्दन अकेला हाजिर होगा। तो यहाँ तक जो है ये कहा जाता है कि ये उस वाक़या की तरफ है इशारा। अच्छा जी, और अगली दो आयात जो हैं वो इस रुकू की बाकी हैं, रुकू नंबर 5। 81 में फरमाया वत्तखज़ु मिन दूनिल्लाहि आलियतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा इज़्ज़न कल्ला, वत्तखज़ु और उन्होंने बना लिए मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा आलियतन, ये इलाह की जमा है, क्योंकि वो कई कई माबूद बनाते थे ना, जो जमा में आया है माबूदान बातिला, लियकूनु ताकि वो हों, लहुम उनके लिए इज़्ज़ा, इज़्ज़ा जो है यानी मददगार, मिन दूनिल्लाहि आलियतन, ये मुशरिकीन ने बनाए हुए थे ना लात मनात उज़्ज़ा, और कहते थे कि जी ये हमारी सिफारिश करेंगे। सूरह यूनुस में है ना, सूरह यूनुस की आयत 18 में है ना, ये कहते थे वयकूलू ना, ये काफिर मुशरिकीन कहते थे हाउलाई, ये जो हमारे बुत थे ना लात मनात उज़्ज़ा वगैरह, शुफाउ ना इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे। हाँ अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि ले यकून लहुम मिन दूनिल्लाह आलिहतन लियकून लहुम इज़्ज़ा, के वो इनके मददगार बनेंगे, अल्लाह ने उसकी तरदीद कर दी बड़ी ताकीदी अल्फाज में, कल्ला कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। के आखिर में आप अगर पढ़ेंगे ना पूरी आयत, तो कहा ये ऐसी बात बता रहे हैं बिमा ला या लमू, कि अल्लाह नहीं जानता, ये सूरह यूनुस में ही है, सूरह यूनुस की आयत 18 में। देखिए वहाँ पर किसी चीज़ का अल्लाह के इल्म में ना होना, वो तो ये मायने रखता है कि वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो अलीम और ख़बीर है ना, ये लॉजिकली उसका ये जवाब आ गया है ना जी, कि वो मौजूद ही नहीं है, इसलिए कि जो जो कुछ भी मौजूद है वो तो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह का इल्म कदीम है, शुरू से हर चीज़ जानता है अल्लाह ताला ना, तो अल्लाह तो जानता है कि ये किन सिफारिशों की बात कर रहे हैं, और इन वो इनको कुछ भी जो है ना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। बल्कि इस मौजू पर और बहुत सा आया है, ये जो है ना जी मिन दूनिल्लाह आलिहतन, अल्लाह के अलावा जो झूठे हैं,
जैसे सूरह नहल की भी आयत 86 है, कहा कि वहाँ इनके शुरका जो है ना इनकार कर देंगे, बड़ा जोम है ना कि ये हमें वहाँ बचा लेंगे, वो कहेंगे हमने ना कहा ना हमें पता है ये हमारी इबादत करते हैं। वईज़ लजीन अशरकू, नहीं वईज़ राल लजीन अशरकू, और जब तुम देखोगे ये मुशरिकीन को कि शुरका हूँ उनके शुरका, कालू कहेंगे रब्बना हाउलाई शुरका होना, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये हैं झूठे माबूद, हाँ कुन्ना अल्लज़ी नदू मिन दूनिका, तेरे अलावा हम इनको पुकारते थे। अब वो भी वहाँ मौजूद होंगे, यौम मैशर है ना, यौम मैशर में तो सो कॉल्ड लीडर भी होंगे और फॉलोअर्स भी होंगे, सारे होंगे ना, तो इनकार कर देंगे। फ़अल्कू अलैहिमुल कौल, वो उल्टा वही बात उन पर लौटा देंगे, फेंक देंगे, वो कहेंगे इन्नकुम लकाज़िबून, झूठ बोलते हो तुम, सारी ज़िंदगी पूजा पाठ करते रहे, वो पकड़ा ही नहीं दे रहे हो, क्या झूठ बोलते हो, पता नहीं अन्ना हमने नहीं कहा। ये कुरान ने बार बार इस चीज़ को वाज़े किया है उनकी इसी बात को ना, कि ये बख्शवा देंगे, ये हमारा साथ देंगे। अल्लाह अकबर। और आखिरी आयत है इस रुकू की 82, सयकफुरून बिइबादतिहिम, उसके साथ ही है ये, वयकूनून अलैहिम जिद्दा, देखे ना ये आ गया, सयकफुरून इनकार कर देंगे, बिइबादतिहिम उनकी इबादत का, वयकूनून और होंगे अलैहिम जिद्दा, बल्कि उल्टा उनके मुखालिफ बन जाएंगे, जिद्दा वहाँ पर यही शुरका जिन पर बड़ा मान है इनका कि वहाँ ये काम आएंगे, कहा क़्यामत के दिन सयकफुरूना बिइबादतिहिम, इनकी इबादत का इनकार कर देंगे वो, और उल्टे इनके दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, मुखालिफ बन जाए। देखिए इज़्ज़ा, इज़्ज़ा आया ना लफ्ज़, इज़्ज़ा का मतलब है यानी इज़्ज़त का बाइस मददगार, और ज़िद्दा दुश्मन जुटलाने वाले मुखालिफ, यानी ये माबूद झूठे इनके गुमान के बरक्स हमायते होने की बजाय उल्टे दुश्मन हो जाएंगे, ज़िद्दा इनके जुटलाने वाले इनकार करने वाले हो जाएंगे। तो ये अहम मौजू है, ये जो माबूदाने बातला, इसके बारे में कुरान में बहुत आयात हैं, क्योंकि शिर्क जो है ये तौहीद का तजाद है, और तौहीद जो है इट्स मेजर सब्जेक्ट ऑफ कुरान, वननेस ऑफ अल्लाह, तो बहुत सी आयात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये 5 रुकू जो हैं मुकम्मल हो गए, अगला रुकू आयत नंबर 83 से इंशाल्लाह ताला वो हम अगले दर्स में पढ़ेंगे 83 से। जी जी हाँ इज़्ज़त, जी 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 हाँ, ये बिल्कुल ऐसी है आयत, हाँ हाँ ये है ऐसी आयत है ना, देखो ना अल्लाह ने हर पहलू से इसकी वजाहत की, ये है ऐसी आयत ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अल्लाह अकबर, बिल्कुल हाँ अल्लाह सही समझ दे। जज़ाक अल्लाह जी, सदक अल्लाहुल अज़ीम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।